हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो हम लोग एक कोर्स चला रहे थे जीके का, जिसमें हम लोग पूरे जनरल नॉलेज को एक एक करके कवर करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे थे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख रखा था, भारत की भौगोलिक स्थिति देख रहे थे, भौगोलिक स्थिति के रूप में उनको किन किन पार्टों में बांटा गया, वो सब चीज़ें देख चुके थे। उसके बाद हम लोग हिमालय के बारे में देखा था, अब हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देख रहे हैं। इस लेसन में हम लोग उसको भारत की प्रमुख नदियों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही पेज में मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन किया है, तो इसको हम देखते हैं क्या क्या है। भारत में लगभग 400 नदियाँ हैं। सबसे बड़ी ध्यान वाली बात है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें तो ऐसे भी जानी है क्योंकि भाई भारत है तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसमें 14 जो है बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ और 44 मंझौली नदियाँ। मंझौली मतलब सहायक नदियाँ जैसे कहते हैं आप लोग। कोई नदी जितनी क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में गिरती है उस नदी का बेसिन या द्रोण कहा जाता है। मतलब जितना पानी लेकर गिर रहा है मतलब उतना उसका बेसिन कहलाता है या द्रोणी कहलाता है। यदि बेसिन जो है वो 20,000 किलोमीटर से बड़ी है तो ऐसी नदियों को बड़ी नदी कहते हैं। तो जिन नदियों का बेसिन 2,000 किलोमीटर से छोटी होती है ऐसी नदियों को हम छोटी नदी कहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो किसी नदी को मिलाने वाली सभी छोटी नदियों को उसकी सहायक नदी कहते हैं। यदि कोई नदी दो शाखाओं विभाजित हो जाती है तो वो शाखाएँ वितरित कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है उसका मुहाना कहलाता है। जैसे वर्ड्स हैं, अगर पूछ ले ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि मुहाना क्या होता है, जैसे कि टर्म्स आते हैं तो वो सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी आपने उसको अंडर 10th पढ़ा होगा, तो बस यहाँ पे हम रिकॉल करा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, आपको याद में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। एक बार आपने पढ़ रखा है तो थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने साथ सिल्ट या गाद लेकर चलती है तथा समुद्र तट पर इस सिल्ट से डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा जो मिट्टी बहा कर ले जाती है उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसकी क्षेत्रफल है 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखिए, सुंदरबन डेल्टा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा डेल्टा है, उसको आप याद रखिए। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है, यानी कि भारत में ही है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होता है बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यदि नदी पथरीली इलाके से प्रवाहित होती है तो डेल्टे के स्थान पर यह एक्चुअरी का निर्माण करती है। वहाँ पर मिट्टी को बहा नहीं सकता तो वहाँ पर एक एक्चुअरी का निर्माण करती है, उसको जो पार्ट बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअरी। नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा क्या है? नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, यदि नदी पथरीली इलाके से प्रवाहित होती है तो डेल्टा के स्थान प्रवाहित होती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैं बता ही चुका हूँ, यदि नदी दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। यदि वो दो पर्वतों को बीच से प्रवाहित होती है कोई नदी तो ये प्रतिदिन इसे गहरा करने कहते जाते हैं, जिसे हम गार्ज कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, नदी अगर बहेगी कि दो पर्वत है और दोनों पर्वत के बीच से, जैसे कि इधर एक पर्वत है, ऐसा एक पर्वत इधर है, यहाँ से नदी बह रही है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर सब मिट्टी काटता जाएगा, पत्थर को भी काटता जाता है, इसको और गहरी करती जाएगी। ठीक है, तो ये दिन प्रतिदिन गहरी होती जाती है, जिसे हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा के मध्य रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुरा जो कि दो पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े पर्वत हैं, उनके बीच एक रिफ्ट वैली का निर्माण करती है नर्मदा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई? नेक्स्ट में चंबल नदी के बारे में। तो नदियाँ जो भी और भी इम्पोर्टेंट नदियाँ उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे चंबल नदी अपने मार्ग में पहाड़वर का निर्माण करती है। यह अत्यधिक भूमि कटान के लिए जानी जाती है। तो जो चंबल नदी है बहुत ज़्यादा भूमि को काट के ले जाती है, बहा के ले जाती है। उसके बाद कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी पथ विचलन के लिए जानी जाती है। तो इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि अधिकतर बार ये बाढ़ लाता रहता है कोसी नदी, क्योंकि अपनी पथ ही विचलित करती रहती है, कभी किधर ही बह जाएगा कभी किधर ही बह जाएगा। यदि कोई पहाड़ नदी के प्रवाह को प्रभावित करती है तो इसे हम जल विभाजक कहते हैं। समझ में आया?
ये कोई भी पहाड़ यदि किसी नदी के प्रवाह को विचलित करती है, यानी कि उसको बांट रहा है, बीच में पहाड़ आ जाए, पानी बह रहा है बीच में पहाड़ आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। अरावली और पश्चिमी घाट प्रसिद्ध जल विभाजक हैं। भारत की 77% नदियों का जल बंगाल की खाड़ी एवं 23% अरब सागर में गिरती है। तो जानते हो कि भारत की एक तरफ तो भाई बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ क्या है, अरब सागर है। अधिकतर नदियां आपका कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी 77% नदियां कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और जो 23% बच गया वो किधर गिरती है, अरब सागर में। तो ये आप याद रखिएगा, और मैप भी अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप भी अपने साथ रखिए आप। आगे चलते हैं, पूर्ववर्ती अफवाह। अपवर्ती अफवाह कि क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। पूर्ववर्ती अफवाह क्या होता है, ये नदियां अपने मार्ग की बाधाओं को काट कर आगे बढ़ती है। हिमालय की नदियों इसी प्रकार की नदियाँ होती हैं, इसे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती अफवाह, माने पूर्व की ओर जनरली बहने वाला, ठीक है। तो ये पूर्व जब जनरली ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाली खाड़ी में, जो कि हिमालय से निकलती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है, इसको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ये अपने मार्ग में आने वाले सभी चीज़ों क्या करती है, काट के आगे बढ़ती जाती है। अपवर्ती अफवाह की बात करें तो ये नदियाँ ढाल की ओर बढ़ती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ इस श्रेणी में आती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि जो आपका साउथ तरफ की नदियाँ हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से नीचे की नदियाँ, इसे सभी अपवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। भारतीय नदियों को दो अंतर श्रेणी में भी विभाजित किया गया है, जिसमें क्या एक होता है हिमालय या उत्तर भारत की नदियाँ। जो हिमालय जनरली ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत में बहता है ऊपर। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो यहाँ पे आया तो ये बंटवारा किया गया है, मैंने स्टडी के लिए इसको बांटा गया है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि जनरली ये मध्य प्रदेश से नीचे जो नदियाँ साउथ में जो बहती है वो सब प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। हिमालय जो नॉर्थ में बहता है, इंडिया के नॉर्थ में, वो सब नदियाँ नॉर्थ की नदियाँ या उत्तर भारत की नदियाँ कहलाती है, फिर हिमालय की नदियाँ कहलाती है। चलिए इस सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन नदियाँ। अधिकतर नदियाँ तो उत्तर भारत में जो सब कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जनरली साउथ वाली नदियाँ होती है वो अरब सागर में गिरता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इन नदियों का उद्गम उत्तर भारत के ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर मतलब हिमालय में जो बर्फ़ जमता है वही बर्फ़ पिघलता है और पिघल के ये नदियों में पानी आता है, ठीक है। तो ये जितनी भी नदियां हैं वो ग्लेशियर के पिघलने से इसमें पानी आती है। गोमती की अगर बात करें तो गोमती पीलीभीत के दलदलों से निकलती है। तो कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय से ही निकलती है, तो ये भी है। तो गोमती की अगर हम बात करें तो पीलीभीत के दलदलों से निकलती है ये नदी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट में और भी चीज़ों को देख लेते हैं। हिमालय नदियों को 1/4 जल ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी उसमें आ रहा है जो ग्लेशियर के पिघलने से जा रहा है, 1/4 पानी तो वो ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा है। विंध्य और अरावली से निकलने वाली कुछ नदियाँ भी इसी नदियों में मिल जाती है। हिमालयी नदियाँ अपेक्षाकृत युवा है, अभी इसका मार्ग निश्चित नहीं हुआ है। हिमालयी नदियाँ की बात हम कर रहे हैं, अतः इसमें बाढ़ आती रहती है। ये नदियाँ नरम धरातल से प्रवाहित होती है तथा अतः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इन नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है, अतः इसे हम नभवहन कहते हैं। इसमें साल भर पानी रहता है। तो ये है जो कि उत्तर भारतीय प्रमुख नदियाँ, जिसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, और भी डिटेल जो भी आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं। इन नदियों का उद्गम पश्चिम घाट है। वर्षा जल से जलापूर्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे जो भी आता है तो वर्षा से ही आता है। उत्तर भारत में पानी वर्षा से आता है, पर ग्लेशियर के गलने से भी आपका 1/4 पानी तो ग्लेशियर के गलने से आता है। पर यहाँ प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा पानी कहाँ से आता है, वर्षा से आता है। यदि वर्षा कम होगी तो वहाँ पे समुद्र में वहाँ की जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ उसमें पानी कम जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतर पानी कहाँ से आता है, वर्षा से। ग्रीष्म ऋतु में इसका जल का अभाव हो जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है, जबकि जो हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ उसमें सालों भर पानी रहेगा। जैसे गंगा है, गंगा में सालों भर पानी रहेगा। गर्मी में भी वहाँ पे बर्फ पिघलेगा, फिर पानी आने लगेगा। बरसात में तो पानी आएगा ही आएगा, और गर्मी में भी पानी आएगा। कावेरी एकमात्र अपवाद है, क्योंकि उसे ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों ही मानसूनों से जल प्राप्त होता रहता है। तो कावेरी का एक्सेप्शन है, जनरली है जो नदियां हैं जो सीजन में वर्षा होती है तभी पानी रहेगा, तो वहाँ पे जो मानसून आएगा तभी उसमें पानी देखने को मिलता है, और ऐसे गर्मियों में वहाँ पानी सूख जाता है, यानी पानी बहुत कम रहता है। जबकि कावेरी इसका क्या है, एक्सेप्शन है। कावेरी में क्या होता है भाई, कावेरी इसका एक्सेप्शन है। कावेरी में
सालों भर पानी रहता है, इसमें शीतकालीन मानसून जो आता है उससे भी पानी इसको मिलता है, और ग्रीष्मकालीन जो मानसून वहाँ पे आता है उसके कारण भी उसमें पानी मिलता है। ठीक है, जल प्राप्त होता है। प्रादीपीय नदी एक अपेक्षाकृत प्रौढ़ है, प्रौढ़ मतलब पुराना है, और अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी हैं, जो मतलब जनरली जो हिमालय में चुकी है, एक्चुअली इतना कभी भी गल जा रहा है बर्फ, और गर्मी अगर बढ़ गया तो पानी गल गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, और अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो वो अपना पानी तो निकलेगा ही, तो एक नया नदी एक नया धारा बना सकता है वहाँ, तो एक नई नई नदियाँ बनती रहती है, उसका रास्ता भी निर्धारित नहीं होता है, कभी ज़्यादा पानी आ जाता है कभी कम पानी आ जाता है। पर ये जो प्रादीपीय नदियाँ हैं, चूँकि इसमें रास्ता, चूँकि ये वर्षा के कारण पानी आता है, तो जो रास्ता वर्षा अगर हुआ तो जो रास्ता पहले से बना हुआ है उसी रास्ता को वो फॉलो करेगी, और जनरली उसमें क्या होता है कि हर साल लगभग उतना ही पानी आना है, उसमें गर्मी में सूखेगा, बारिश होगा तो उतना ही पानी, लगभग उतना ही बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बारिश तो ऐसा नहीं हो, है नहीं कि एक साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, एक साल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, होता है लेकिन पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपेक्षा के सख्त भूमि पर बहने के कारण ये छोटी डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप जानते हो कि उधर पठारी इलाका है, तो पठारी इलाका छोटा नागपुर का पठार उधर ही पाया जाता है साउथ में, तो वो उस पर ये नदियाँ बहती हैं, तो पठारी इलाका होने के कारण वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो बहुत छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा और गोदावरी की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा मिलकर एक हो जाता है। ताप्ती के बाद अधिकांशतः नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती एक है जो अरब सागर में गिरता है। कर्नाटक की शरावती, केरल की पेरियार इसका अपवाद है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसकी लंबाई, एक्चुअली लंबाई सबसे ज़्यादा किसका होता है, जो भारत में बहने वाला सबसे, देखो दिख रहा होगा तुम्हें ब्रह्मपुत्र क्या है, 2900 किलोमीटर, गंगा कितना है, 2525। फिर भी हमने क्या कहा, भारत में बहने वाला सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। क्यों है भाई, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पूरा भाग भारत में नहीं आता, ये चीन से होता आता है, तो भारत में ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, भारत में इसका भाग कुछ ही भाग आता है, भारत में इसका पूरा भाग नहीं आता। तो ये आप नोट डाउन करके रखिए कि अगर हम बात करें लंबाई की तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी मैंने गंगा और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें, जैसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, जानते ही होगा आप। उसके बाद अगर हम बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र की अगर हम कंपेयर करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई ज़्यादा है गंगा से, पर अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन है, वो गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी, जबकि उसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र से कम है। पर ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है, भारत में उसका सिर्फ कुछ भाग ही आता है। ये कहाँ से आता है, चीन से आता है, इसलिए तो चीन धमकी देता रहता है, पानी छोड़ देंगे तुम्हारा सारा रुक जाएगा, या फिर पानी हम रोक देंगे तब तुम्हारा सुखाड़ आ जाएगा। तो ये सब किस्से हैं, तो ब्रह्मपुत्र का ये स्थिति है। परंतु भारत में इसकी अपवाह मात्र 700 किलोमीटर है। तो देखिए भारत में सिर्फ ब्रह्मपुत्र का 700 किलोमीटर भाग ही है, गंगा का पूरा 2525 किलोमीटर भारत में। इसलिए सब भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हाँ, चौड़ाई की बात करो, मैं असम में गया था, वहाँ देखा भी है कि इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। तो सबसे चौड़ी नदी की अगर हम बात करें तो वह ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा पानी लेके आती है वहाँ से, ठीक है। पर गंगा सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ताप्ती सबसे तेज गति की से बहती है, यानी कि इसकी धारा बहुत तेज होती है। ब्रह्मपुत्र के पास सर्वाधिक सहायक नदियां हैं, तो चौड़ी है तो ऑब्वियसली बात है अधिक से अधिक नदियां उससे जाके जुड़ जाती है। गंगा का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है, जो कि 900,000 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा का बेसिन जब समझ ही रहे हो, मैंने बेसिन का डेफिनेशन बताया ही था कि वो जो गंगा की खाड़ी में गिरता है या समुद्र में जाके मिलता है, तो वहाँ कितना भाग में उसका प्रभाव रहता है, उसकी पानी कितना भाग को वो कवर करता है, वही उसका बेसिन कहलाता है। तो गंगा का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, गंगा का बेसिन। तो ये भी आप ध्यान रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। कुछ और नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि असम में सर्वाधिक नदियां हैं, हरियाणा में मात्र एक नदी है जिसको हम क्या कहते हैं, घग्घर नदी कहते हैं। TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट नदी जल की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे TMC में क्या मापा जाता है भाई, तो नदी जल का कुल मात्रा को व्यक्त करने का तरीका है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, TMC मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है CUSES, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इससे क्या नापा जाता है, नदी के जल के प्रवाह को व्यक्त किया जाता है कि किस प्रवाह की दर क्या है, किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है। तो क्यूबिक फीट पर सेकेंड, इतना क्यूबिक फीट पानी पर सेकेंड उससे फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट,
किसी नदी को उसकी सहायक नदियों के साथ मिलाकर नदी तंत्र कहा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र, तो देखिए जैसे कि अगर आप पूरा डिटेल देखोगे, जैसे मैंने लास्ट में फिगर डाला है उसमें मैं मैप जब लाऊंगा तो उससे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि एक्चुअली गंगा कैसे कैसे बनता है, गंगा का पहले क्या नाम था, भागीरथी रहता जहाँ पर से निकलती है गंगोत्री से, उसके बाद ढेर सारी नए छोटी छोटी नदियों में वो बढ़ती है या फिर बहुत सारी नदियाँ उससे आके मिलती है और फिर एक नई नदी बनाती है। तो ढेर सारी नदियों को मिलाकर एक मतलब जिससे वो बना है, जो सहायक नदियाँ उससे मिली है जिससे वो मिलकर बना है, वो सब उसका क्या कर रहा था, सब नदियों को मिला दो तो वो नदी तंत्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र में ही ये सब आता है, ठीक है। से नदी आता है, उद्गम आता है, मुहाना आता है और सहायक नदियाँ आता है, ये सब सिंधु नदी तंत्र। सिंधु की अगर हम बात करें तो कैलाश मानसरोवर से आपके आती है ये, अरब सागर, झेलम, तिब्बत, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, सिंधु की। भारत में यह लद्दाख और जास्कर के मध्य लेह से गुजरती है। झेलम की बात करें हम तो ये बेनाल झील से आप आगे बढ़ती थी, डैश देख के दिखाया गया कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है। फिर चिनाब, उसके बाद किशनगंज, श्रीनगर झेलम तट पर ही है। ये भी एक कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके कंपिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो वो भी यहीं पे साथ साथ मेंशन कर दिया गया है। चिनाब है जो बालाचार दर्रा से आगे निकलती है, उसके बाद सिंधु नदी में जाती है, उसके बाद चंद्रा एवं चंद्रभाग में जाती है। हिमाचल प्रदेश में है ये बालाचार दर्रा, जो कि मैं लिखा बता ही चुका हूँ। जम्मू चिनाब के तट पर ही स्थित है। रावी की अगर बात करें तो ये रोहतांग दर्रा से निकलता है और घिनाब की तरफ आगे बढ़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ भाई, हिमाचल प्रदेश में है। लाहौर रावी तट पर ही स्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपको जानना चाहिए, जो साथ साथ आ जाता है उसको भी आपको साथ साथ ही देखते चलना है हम लोगों को। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रा, जो कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने बताया। ये हरि के बंजार के पास क्या है, सतजुज है, वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका हरि के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। ये इसके बाद नेक्स्ट है सतलुज। सतलुज की अगर बात करें, जो सतलज की बात करें अगर हम, तो राक्षस स्थल जो कि चिनाब कहाँ है भाई, पाकिस्तान में। राक्षस स्थल कहाँ है भाई, वो है तिब्बत में। भाखड़ा नगर बांध कहाँ पे है भाई, सतलज नदी पे है। तो ये आपको याद रखना है। ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी उस पर जुड़ी हुई वो हम लोगों ने देखा। गंगा नदी तंत्र का देखते हैं, गंगा कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन हैं, बाएँ तट से रामगंगा, शारदा या सरयू जिसको कहते हैं, फिर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर हम दाएं तट की बात करें, दाएं तट से यमुना, टोंस और तमसा, सोन, दामोदर, ये सब क्या है इसकी, ये भी आपकी सहायक नदी है, जो कि आपका किस साइड से है, दाएं तट से है। विशेष आप लोग जानिए इसमें कि गंगा उद्गम के समय भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उसको देव प्रयाग में या अलकनंदा से मिलती है। मैं इसको पूरा ग्राफ से बताऊँगा आपको, मैंने पहले भी अपलोड किया उसको, फिर यहाँ पर भी मैं उसको मेंशन करूँगा। तो वो गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा सबसे पहले देव प्रयाग में क्या कराती है, अलकनंदा के मिलने से गंगा का जन्म होता है। तो पहले भागीरथी कराती है, भागीरथी में आकर कौन मिलता है, अलकनंदा। कहाँ पे मिलता है, देव प्रयाग में। और तब वो क्या नाम कहलाती है, गंगा नाम कहलाती है। इस नदी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भाग है भाई, रहानपुर तथा उत्तरी गंगा, उसके बाद है सहारनपुर से बनारस तक मध्य गंगा, और बनारस से गंगा सागर तक निम्न गंगा। तो गंगा का तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन बात आ गया भाई, क्या क्या नाम दिया गया है, तो उत्तरी गंगा दिया गया है, मध्य गंगा दिया गया है और निम्न गंगा दिया गया है। तो कहां से कहां तक का भाग को क्या कहते हैं भाई, तो वो भी आपको याद रखना है। तो सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी गंगा कहां से कहां तक है, तो सहारनपुर तक की गंगा क्या कहलाता है, उत्तरी गंगा। उस पर सहारनपुर से बनारस तक का गंगा को मध्य गंगा कहते हैं। फिर बनारस से गंगा सागर तक को क्या कहते हैं, निम्न गंगा कहते हैं। बंगाल में गंगा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। भारत में भागीरथी, हुगली तथा बांग्लादेश में पद्मा, ये सब उसी के नाम है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मेल से मेघना का उदय होता है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। उसके बाद स्विस
मीठे पानी की डॉल्फिन है, को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है। तो गंगा राष्ट्रीय नदी है, डॉल्फिन जो कि है, जो कि एक स्पेशल टाइप की डॉल्फिन जिसका नाम है स्विस, जो मीठे पानी की डॉल्फिन है, इसको को हम लोग राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया है, या जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री राज्यों के सीएम भी इसके पार्ट होते हैं, उस जो वो अथॉरिटी गठन किया गया है उसके सब मेंबर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तथा कुछ एनजीओ भी शामिल होती है उसमें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये सब है जहाँ जिसके सीएम उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, यमुना की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, जो कि कहाँ पे है, उत्तरकाशी में, और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसमें क्या है भाई, बाएँ तट से है हिंडस, बरुंड, सिंगार, रिंद, दाएँ से चंबल, बेतवा, केन, ये सब हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग